इन दिनों दिनेश कार्तिक सुर्खियों में हैं और शानदार लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए। पहले आईपीएल के लिए अच्छी पारियां खेल रहे थे, अब दो दिग्गज उन पर भिड़ गए हैं। जी हां, पिछले दिनों गौतम गंभीर ने उनके बारे में एक टिप्पणी की थी। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि दिनेश कार्तिक की जगह T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में नहीं बनती। तो इस बात पर सुनील गावस्कर, जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, उन्होंने गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया है। हालांकि गंभीर का नाम उन्होंने नहीं लिया है, उनका कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता, आज की स्थिति के हिसाब से वो टीम इंडिया की जरूरत है, दिनेश कार्तिक टीम इंडिया की जरूरत है, ऐसा सुनील गावस्कर ने कहा है। एक बड़ा बयान दिया है उनके बारे में और गंभीर का उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया है, और उनका कहना है कि रेपुटेशन और नाम से चयन नहीं होता किसी खिलाड़ी का, होना भी नहीं चाहिए। फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 27 गेंदों पर 55 रन की इस खिलाड़ी ने पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यानी 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने और मैन ऑफ द मैच रहे ये। और इसके अलावा देखा जाए तो 12.5 ओवर में 81 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी टीम इंडिया और संघर्ष कर रही थी भारतीय टीम। ऐसे समय में दिनेश कार्तिक आते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 9 चौके और 2 छक्के लगाते हैं और 27 गेंदों पर 55 रन बनाकर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनके साथ जब पांड्या मिले तो 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 हो गए और दोनों ने मिलकर तस्वीर बदल दी भारतीय उस पारी की, और अगले 7 ओवर में नक्शा बदल दिया था इन दोनों ने मिलकर। और नंबर 6 और नंबर 7 का बल्लेबाज गावस्कर का कहना है कि ये 6 और 7 का बल्लेबाज हमेशा 50 रन बनाए 50 की पारी खेले जरूरी नहीं है और असल मुमकिन भी नहीं है हर बार, लेकिन ये खिलाड़ी एक कैमियो रोल में आए, 20 गेंद पर 40 रन बनाए या 15 गेंद पर 30 रन बनाए, इतना ही काफी है और ये टीम को के लिए ये पारी या ये प्रयास मैच विनर साबित हो सकता है। आपको याद दिला दें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले दिनों आईपीएल में उन्होंने 30 रन की एक नॉटआउट पारी खेली थी और वो भी सिर्फ 8 गेंदों पर, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए थे और एक चौका लगाया था। और ये उनका कहना है कि एक निश्चित तौर पर उन्होंने अगले साल वनडे जो वर्ल्ड कप है उसके लिए भी अपना दावा मजबूती के साथ रखा है। इस T20 वर्ल्ड कप में तो वो टीम की जरूरत है ही। आप क्या सोचते हैं सुनील गावस्कर की इस राय से या गंभीर की बात से, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।